हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हिंदी शाला में हम आपको सिखाएंगे नई कहानी। कहानी का नाम है अधिक बलवान कौन। तो बच्चों, ये कहानी है एक सूरज और हवा के बीच एक प्रतियोगिता की। तो देखते हैं आगे की कहानी, क्या है ये प्रतियोगिता और क्या होता है इसका परिणाम। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, नहीं हवा बहन, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। दोनों इसी प्रकार बहुत देर तक बहस करते रहे। इतने में हवा की नज़र वहाँ से गुजरते एक आदमी पर पड़ती है। हवा ने कहा, सूरज भाई, इस प्रकार बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करते हैं, हम एक प्रतियोगिता करते हैं, जो इस गुजरते हुए आदमी के कपड़े उतरवा देगा वही अधिक बलवान है। यह सुनकर सूरज मान गया। सूरज ने कहा, ठीक है हवा बहन, पहले तुम प्रयास करो। हवा ने कहा, ठीक है, और हवा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया। हवा ने अपनी ताकत से हवा को बहुत तेज चलाना शुरू किया। हवा उड़ती रही, चलती रही, हवा का वेग बढ़ता गया और धीरे धीरे आदमी ने देखा कि ये कैसी हवा चल रही है, अचानक इतनी तेज़ हो गई। और उसने अपने कपड़ों को कस के लपेट लिया, कसकर पकड़ लिया। तभी हवा और तेज़ चली और थोड़ी ही देर में आदमी की टोपी उड़ गई। और लेकिन आदमी ने अपने शरीर के सारे कपड़ों को बहुत तेज़ी से पकड़ कर रखा। हवा और तेज़ चलती रही। आदमी ने अपनी कोट के सारे बटन बंद कर लिए और उसे कसकर जकड़ लिया। हवा और तेज़ चली, और तेज़ चली, हवा चलती रही। अंत में आदमी नीचे ही गिर गया। हवा के वेग से वो उठ नहीं पाया, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। कोट अभी भी उसके बदन पर था। अब हवा चलकर थक चुकी थी। हवा अपने वेग से बहुत बही, लेकिन वो आदमी का कोट नहीं उतरवा सकी। अब सूरज ने कहा, हवा बहन, अब मेरी ताकत देखो, तुम अपनी ताकत दिखा चुकी। हवा थक चुकी थी। उसने कहा, ठीक है सूरज भाई, अब आप प्रयास करो। सूरज ने अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू किया। सूरज तपने लगा और तेज़ तपने लगा। गर्मी हो गई। वो आदमी सोचने लगा, अभी इतनी तेज़ हवा चल रही थी, अचानक क्या हुआ, ये हवा क्यों बंद हो गई और ये सूरज ने इतनी गर्मी बढ़ा दी। सूरज और तेज़ तपने लगा। आदमी को बहुत गर्मी लगने लगी। थोड़ी ही देर में आदमी ने अपने कोट के बटन खोलना शुरू कर दिया। उसने अपने कोट के बटन खोल दिए, गर्मी और बढ़ी, सूरज ने और गर्मी बढ़ा दी। और थोड़ी ही देर में आदमी ने अपना कोट उतार कर अपने हाथ में ले लिया और लेकर उसे चलने लगा। तभी सूरज ने हवा से कहा, हवा बहन, देखी मेरी ताकत, मैंने उतरवा दिया ना इस आदमी का कोट, क्योंकि जो आदमी था वो कोट को अपने हाथ में लेके चलने लगा था। हवा ने सूरज को नमस्कार किया। हाँ सूरज भाई, मैं मान गई तुम्हारी ताकत को, तुम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, मैं तुम्हारी ताकत को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो देखा बच्चों आपने, किस प्रकार हवा ने सूरज को चुनौती दी थी और सूरज ने उस चुनौती को पार किया और अपनी ताकत को दिखाया। तो इसी प्रकार हमें भी जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसकी ताकत को पहचानना चाहिए और उसकी ताकत को नमस्कार करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय। चलिए बच्चों, अब है आपके कुछ करने के लिए। तो सोचो और बताओ, बहुत तेज चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? उत्तर है आंधी व तूफान। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि सूरज ना होता तो क्या होता? तो बच्चों, इसका उत्तर आपको स्वयं से लिखना है। यदि सूरज ना होता तो क्या होता? उसका प्रकाश ना होता पृथ्वी पर तो क्या होता? अगले अभ्यास की ओर आते हैं। ये है पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थ। पहला देखिए, ताकत का अर्थ होता है बल, फायदा, लाभ, बहस, तकरार, बलवान, शक्तिशाली। तो ये तो थे शब्द अर्थ। अब चलते हैं प्रश्नों के उत्तर की ओर। तो ये दो प्रश्न आपके सामने हैं। पहला देखिए, किस किस में बहस छिड़ गई? उत्तर है हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। दूसरा देखिए, हवा और सूरज में क्या बहस हुई? उत्तर है हवा और सूरज में अपने आप को शक्तिशाली साबित करने की बहस हुई। तो बच्चों, ये तो थे कुछ प्रश्नों के उत्तर। अब एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको स्वयं से देना है। तो प्रश्न आपके सामने है, हवा की नज़र किस पर पड़ी? बच्चों, आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो इसका उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। हवा जब ऊपर थी तो उसने नीचे किसको देखा?
अब आते हैं हिंदी सामान्य ज्ञान की ओर। तो पहला प्रश्न है, सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। दूसरा प्रश्न देखिए, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर है। अब आता है तीसरा प्रश्न, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, बादल धरती से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो इसका उत्तर हम बता देते हैं, लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर बादल पृथ्वी से दूर होते हैं, इतनी ऊंचाई पर वो धरती से तैरते हैं। तो बच्चों, ये तो थे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जिनको आपको याद करना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।